नमस्कार, मैं मुक्ता कंबोज रॉयस की लीगल डिपार्टमेंट में लीगल एग्जीक्यूटिव हूँ। कुछ टाइम पहले हमें मिस भगत की कंप्लेंट रिसीव हुई, जिनमें उनका सैमसंग का टच स्क्रीन फोन काम नहीं कर रहा था। उन्होंने सर्विस सेंटर को कॉन्टैक्ट किया, लेकिन उन्हें सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं मिला, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनका फ़ोन अभी वारंटी पीरियड में था। उसके बाद उन्होंने वॉइस को कॉन्टैक्ट किया। आइए अब उन्हीं से सुनते हैं कि उनका कंप्लेंट वॉइस में आने के बाद कैसे रिजॉल्व हुआ। मेरा नाम आशु भगत है। मैंने सैमसंग का फ़ोन ख़रीदा था 2010 में, जिसकी 2 साल की वारंटी के साथ परचेज़ किया था। उसमें 1 साल बाद ही उसका टच स्क्रीन ख़राब हो गया। फिर मैंने बहुत बार सैमसंग को कॉल किया, बहुत बार कॉरेस्पॉन्डेंस किया, बट कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने कंज्यूमर वॉइस के थ्रू कंप्लेंट किया। फिर विद इन 15 डेज मेरा फ़ोन ठीक होके मेरे पास वापस आ गया और उसका टच स्क्रीन बिल्कुल ठीक है। कंज्यूमर वॉइस की हेल्प से मेरा सैमसंग का फ़ोन ठीक हो गया। अभी सैमसंग वालों की तरफ से भी कॉल आई थी कि आपके फ़ोन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट मैं अब सैमसंग की सर्विस और कंज्यूमर वॉइस की सर्विस से खुश हूँ। थैंक यू कंज्यूमर वॉइस। मेरा नाम HK अवस्थी है, मैं यहाँ पर लीगल हेड हूँ। हम कंज्यूमर वॉइस की तरफ से कंज्यूमर कंप्लेंट को सलाह देते हैं। हमारे पास आशु भगत, उन्होंने एक सैमसंग का मोबाइल लिया था, वो शिकायत लेकर के आई कि वो उनका मोबाइल कुछ ही समय में ख़राब हो गया। एक दो बार तो कंपनी के सर्विस सेंटर ने उसको ठीक कर दिया, लेकिन उसके बाद जब ख़राब हुआ तो वो टरकाने लगे, उसकी बात को सुनते नहीं थे और कहते नहीं कोई ख़राब नहीं, आपको बहन। फिर वो हमारे पास कंज्यूमर वॉइस में आई और बताया कि ऐसी ऐसी समस्या है। हमने उसके कॉल सेंटर को उसे लिखा और कि ये इस तरह के आप अपनी सर्विस को ठीक करिए और कंज्यूमर को क्यों परेशान कर रहे हैं। तो कुछ दिन बाद फिर उन्होंने उस फ़ोन को बदल दिया और नया दे दिया। इससे हमें खुशी है कि ये उन्होंने जल्दी से काम किया और कंज्यूमर को तसल्ली हो गई। धन्यवाद। आप अधिक जानकारी के लिए कंज्यूमर वॉइस मैगजीन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर सब्सक्रिप्शन कॉन्टैक्ट 4733-1014 या फिर हमें ईमेल करें corporate@consumer-voice.org पर।